आगेराम देवी मंदिर सुभाष रोड पर एक अनाज बीज भंडार और एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल सामान की दुकान में एक चोर दुकान की खिड़की को काटकर अंदर घुसा और नकदी करीब 21,000 रुपए चुरा ले गया। आरोपी की करतूत दुकान के अंदर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि उस चोर ने दुकान के बाकी कैमरे की विद्युत आपूर्ति को खंडित कर दिया था। एक कैमरा उसकी पहुंच से छूट गया, जिससे कि वह उस कैमरे में कैद हो गया है। घटना गणेशपीठ थाने से कुछ दूरी पर हुई है। इसके बारे में दुकानदार ने थाने से 20,000 रुपए नकदी चोरी हो जाने की शिकायत की। आपको बता दें कि अरविंद पांडे ने गणेशपीठ थाने में चोरी की शिकायत लिखित तौर पर दी है और उनकी एसोसिएट बिजनेस कॉरपोरेशन नामक दुकान है। साथ ही वे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल सामान भी बेचते हैं और इसी दुकान की ठीक बगल में तिरुपति सीड्स नामक दुकान है। इन दोनों ही दुकानों में गत दिनों अज्ञात चोरों ने घुसकर नकदी 21,000 रुपए चुरा लिए। पहले तो तिरुपति सीड्स में घुसकर 1,100 रुपए, उसके बाद पांडे की दुकान में घुसकर 20,000 रुपए चुरा ले गए। फिलहाल इस मामले में गणेशपेट पुलिस आगे की जांच कर रही है। 13 तारीख को रात 2 बजे करीब सीसीटीवी के अनुसार चोर अंदर घुसता नजर आ रहा है, सीसीटीवी के फुटेज के अनुसार। और 2 बजे रात को घुस के उसने चोरी की। उसमें उसने खाली नकदी नोट लेकर के गया, बाकी चीज़ों को छोड़ कर गया। यहीं पर नकदी नोट लगभग 20,000 रुपए और बाजू वाले के यहाँ भी चोरी किया उसने। वहाँ से भी 1,100 रुपए नकदी नोट खाली, बाकी चीज़ें लेके नहीं गया वो। और हमने दूसरे दिन सवेरे जब 11 बजे दुकान पहुँचे तब हमको पता चला। हमने उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म किया और बाद में लिखित रिपोर्ट दी हुई है। 13 तारीख से आज की तारीख है 24, यानी लगभग 10 दिन हो चुके इस घटना को। अभी तक प्रशासन तो देख रेख कर रहा है, लेकिन कोई अभी तक के उत्तर उस तरफ से मिला नहीं है हमको। हम भी अभी तक जाकर देखे नहीं। वो एक बार आकर यहाँ दुकान में आकर सीसीटीवी फुटेज का फुटेज लेकर जा चुके हैं हमारे यहाँ से, अभी तक वो कुछ बता नहीं पाए इस बारे में। ऊपर के बाप में हमारे थोड़ी ग्रिल है, ग्रिल में से अंदर ग्रिल तोड़कर अंदर घुसा है। दोनों दुकान, बाजू वाली दुकान में भी, हमारी दुकान में भी। हाँ, कंप्लेंट दर्ज की गई है दोनों तरफ से। मेरा नाम अरविंद पांडे, एसोसिएट बिजनेस कॉरपोरेशन हमारी फर्म का नाम है। इनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।